शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। शीतकालीन सत्र में अध्यादेश की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी नहीं मिलने के बाद सरकार का फिर अध्यादेश लाने का फैसला। 1 साथ 3 तलाक, कंपनी लॉ अध्यादेश और एमसीआई पर फिर से अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। जम्मू कश्मीर और गुजरात में 3 नए एम्स की स्थापना पर भी मुहर। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की आज से दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक। मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों समेत अन्य चुनावी इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। मतदान से 48 घंटे पहले डिजिटल मीडिया और प्रचार को लेकर चुनाव आयोग के पैनल ने सौंपी रिपोर्ट। सीबीआई प्रमुख पद से हटाए गए आलोक वर्मा का तबादला। डीजी फायर सर्विसेज का मिला प्रभार। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई से अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए दी गई आम सहमति ली वापस। सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 14 स्वर्ण समेत 54 पदकों के साथ शीर्ष पर, 14 गोल्ड समेत 37 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली। हरियाणा 12 स्वर्ण समेत 41 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर।